हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से एक बार महा एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम घर पे चीकू की देसी शराब बनाने वाले हैं। तो देख सकते हैं, इसके लिए मैंने 1 किलो के आसपास चीकू लिए हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चीकू को हम लोगों को पहले धो लेना होगा ताकि इसमें कोई भी जर्म्स वगैरह ना रहे। तो चलिए इसे एकदम क्लीन वाटर से, साफ सुथरे पानी से इसको धो लेते हैं। आप भी इसे अच्छे से धो लीजिए ताकि कोई भी जंग्स वगैरह इसमें ना रहे और काफ़ी साफ सुथरा घोल हमें इससे मिल जाए। तो चलिए एक दो पानी में मिक्स करके अच्छे से इसे धो लेना है। चलिए, मैं इसे अच्छे से देख सकते हैं, धो लिया हूँ और ये काफ़ी क्लीन हो चुका है। तो इसे अभी हमें निचोड़ना होगा और इसमें जो बीज है उसे अलग करना होगा। तो देख सकते हैं, मैं इसे निचोड़ लिया हूँ और आप भी इसे अच्छे से हाथ से निचोड़ लीजिए। निचोड़ने से पहले हाथ को अच्छे से सैनिटाइज कर लीजिए ताकि जम्स वगैरह रहे हाथ में तो इसमें ना जाए। तो अच्छे से इसे मैं हाथ साफ करके इसमें अच्छे से इसको निचोड़ ले रहा हूँ। तो आप भी इसी तरह इसका अच्छे से घोल कर लीजिए। इसमें जो बीज निकले हैं मैंने वो बाजू में रखी है, क्योंकि अगर हम इसे अभी हमें आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इसको मिक्सी में पीसने की ज़रूरत है। मैं इसे हाथ से ही अच्छे से निचोड़ के कांच के जार में डाल रहा हूँ। अगर हम मिक्सी में इसे और पीस लेते हैं तो ये और भी बेहतरीन हो जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी काम करता है। तो चलिए ईस्ट को एक्टिवेट कर लेते हैं। ईस्ट को एक्टिवेट करने के लिए 1 स्पून शुगर जो पीसी हुई है, आप चाहे तो प्लेन शुगर यूज़ कर सकते हो। और जो पानी है वो थोड़ा गुनगुना है, नॉर्मल एकदम गर्म है, ज़्यादा गर्म नहीं लेना है। और शुगर को अच्छे से प्लेट में घोलने तक उससे अच्छे से मिला लेना है चम्मच से। और ये हमारा ईस्ट है रेड स्टार का, इससे रिज़ल्ट काफ़ी बेहतरीन आता है। तो रेड स्टार का ईस्ट यूज़ करेंगे। ये आपको अमेज़ॉन पे मिलेगा ऑनलाइन, ये ऑफलाइन नहीं मिलता। तो इसकी जो कीमत है, 10 पैक आते हैं ये, लगभग 1800 के आसपास ये मिलता है। तो चलिए 1 स्पून ईस्ट इसमें हम ऐड कर लेंगे। और बाद में ये जो भी पैकेट खाली हो चुका है तो थोड़ा बहुत कोई दिक्कत नहीं, चलो इसे अच्छे से घोल लेते हैं। बाद में हमारी जो शुगर है वो लगभग 250 ग्राम के आसपास शुगर हम इसमें यूज़ करेंगे। तो देखिए, शुगर मैं इसमें डालता हूँ। और अगर आपको ये जो है ये वेट मीटर अगर चाहिए तो ये अमेज़ॉन पे मिल जाता है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सब चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फ्रेंड्स। अभी शुगर जो मैंने जार में ऐड किया हो उसको अच्छे से घोल लेना है, ठीक है। चलिए इसकी ग्रेविटी एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा हाइड्रोमीटर है, तो देखिए ये लगभग देख सकते हैं, इससे हमें 10% अल्कोहल मिलेगा जो वाइन में आमतौर पर रहता है। तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, शुगर के जो पानी था मैंने जार में डाल दिया है उसको, और जो ईस्ट है वो भी एक्टिव हो चुका है तो वो भी मैं इसमें मिला लिया हूँ। तो बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेते हैं। ये 4-5 इलायची है वो डाल दिए हूँ मैं, और ये सोप है, बड़ी सोप, ये भी इसमें डाल देंगे। कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि आप मसाला बना रहे, खीर बना रहे, पता नहीं क्या क्या कमेंट्स करते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है ये डालना, इससे स्वाद काफ़ी बेहतरीन होता है। तो मैं ये डालता हूँ, आप चाहे तो डालिए नहीं तो नहीं डालिए, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शनल है। और ये पोस्ता है, खसखस कहा जाता है इससे कई जगहों को। तो चलिए, लगभग 1 चम्मच के आसपास इसमें मैं खसखस ऐड कर लेता हूँ। देखिए इस तरह से ये दिखती है, दानेदार होती है छोटे छोटे। और ये देखिए, ये बेकरी वाला ईस्ट है, ये भी अमेज़ॉन पे लगभग 130 रुपये में इतना पैकेट आ जाता है ये, इससे भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है दोस्तों। और थोड़ी से 2-3 पीसेस एकदम सही तरीके हम इसमें डाल देंगे। देखिए, आप गलत कमेंट्स ना करें मुझे, मैं ये जो चीज़ें डालता हूँ मैं मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डालता हूँ। ये दालचीनी है, आप चाहे तो ये डालिए, अन्यथा नहीं भी डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं, ये ऑप्शनल रहते हैं। ये लौंग है, 2-3 लौंग इसमें मैं ऐड कर लिया हूँ। और ये देखिए, ये फिटकरी और नौसादर है, तो ये थोड़ा सा मात्रा में हमें डालना है। तो देखिए, मैं इसमें डाल दिया हूँ छोटा सा बाइट इसका। और ये
फिटकरी का एक छोटा सा बाइट इसमें डाल देते हैं। देखिए ये फिटकरी होती है, इस तरह से दिखती है, पंसारी की शॉप से बड़ी आसानी से आपको मिल जाती है। चलिए बॉक्स को बंद कर लेते हैं। इसमें के जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने मिला दिए हैं, अभी इसे हमको अच्छे से घोल लेना है ताकि जो जो भी चीज़ें हमने इसमें मिलाई है वो अच्छे से वेल मिक्स हो सके। चलिए इसका ढक्कन बंद करके इसको फर्मेंटेशन के लिए रख देंगे। लगभग 7-8 दिन लगते हैं इसको अच्छे से होने के लिए, कभी कभी ये 4-5 दिन में भी हो जाता है, डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। अगर आपके यहाँ पे टेम्परेचर कितना है उस पर डिपेंड करता है। तो देखिए अगले दिन इसमें काफ़ी अच्छे से हलचल हमें नज़र आ रही है, बुलबुले दिख रहे हैं, तो फर्मेंटेशन स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, देख सकते हैं जार में काफ़ी अच्छे से बुलबुले हमें नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें फर्मेंटेशन स्टार्ट हो चुका है। तो इसी तरह प्रोसेस होता है। तो देखिए इसको लगभग अभी 8 दिन हो चुके हैं, तो 8 दिन में हम इसको चेक करेंगे। देखिए कलर काफ़ी चेंज हो चुका है, तो अभी इसे डिस्टिल करना होगा हमें। चलिए डिस्टिल के लिए मैं इसे कुकर में ऐड कर लिया हूँ। चलिए पूरा डाल देते हैं इसमें और इसे अभी इंडक्शन पे रखेंगे, हम चूल्हे को ऑन कर लेंगे। जो टेम्परेचर है पूरा हाई रखेंगे क्योंकि इसको गर्म होने में काफ़ी समय लगेगा क्योंकि ये फुल भरे हुआ है। चलिए इसमें पाइप लगा देते हैं, जो डिस्टिलेशन का हमारा जुगाड़ है, मैं पिछले वीडियो में आपको दिखाया हूँ ये जुगाड़ कैसे करने का। तो देख सकते हैं थोड़ी देर में इसमें हमें हलचल नज़र आ रही है पाइप में, तो अभी हमारा जो ओड़का बनने का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। तो देख सकते हैं ये गिलास हमें ज़रूरत पड़ेगी। अभी ये जो थोड़ा सा निकले हुआ है हम इसे फेंक देंगे, इसे फेंकना ज़रूरी होता है, इसमें थोड़ी मात्रा में मेथनॉल होता है तो ये फेंकना ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। कुछ लोग इसको पहली धार की बोल के पी लेते हैं तो वो अच्छा नहीं होता है, आपकी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है वो, तो उसे फेंक दीजिए। तो देखिए ये थोड़ा सा निकला था, हमने वो फेंक दिया जो पहला निकला था, और ये काफ़ी ठंडा है एकदम पेट्रोल के जैसा, और हाथ पे लगाते ही उड़ जाता है ये, क्योंकि ये सैनिटाइज़र के तौर पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। आप चाहे तो सैनिटाइज़र भी बना सकते हैं इसका, और आप चाहे तो उसे ड्रिंक भी कर सकते हैं, ये ड्रिंकेबल है, कोई दिक्कत नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। फ्रूट्स का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए पानी थोड़ा गर्म हो चुका है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी चलेगा, कोई बात नहीं। देखिए आधी बॉटल लगभग भरती हुई आ रही है, तो चलिए अभी इसे हम क्या करेंगे, चेक करते रहना है समय समय पर। अगर ठंडा महसूस होता है तो समझ लीजिए कि अल्कोहल है इसमें, और जब आपको इसमें हाथ को ठंडा महसूस ना हो तो समझ लीजिए कि ये सिर्फ अभी डिस्टिल वाटर है। आप चाहे तो चम्मच से भी इसको चेक कर सकते हैं, मैं बताऊंगा अभी आपको। देखिए बॉटल हमारी लगभग आधी से ऊपर हो चुकी है, और जो वाइन की ओड़का की जो मात्रा है वो भी काफ़ी अच्छी है, और जो कलर है इसका काफ़ी क्रिस्टल है। देखिए बूंद बूंद हमारी ओड़का बॉटल में जमा हो रही है, बूंद बूंद नहीं कह सकते, काफ़ी अच्छी बड़ी धार है इसको। तो देखिए चलिए अब इसको हम जला के देखते हैं। इसमें जो थोड़ा सा मैंने निकाला था पहले ग्लास में, तो चेक करके देखते हैं कि ये जलता है या नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स ये जल रहा है, काफ़ी अच्छे से जल रहा है, और बहुत ही बेहतरीन फ्लेम भी है। चलिए अंधेरा कर लेते हैं, आपको अच्छे से दिखाई दे। तो देखिए ये नीचे गिर चुका है, और थोड़ा इसको हवा काफ़ी लग रही है, फैन भी चालू है, तो इसके लिए थोड़ा बहुत ये हमको येलो आ रहा है, तो ये थोड़ा इनप्योर है। अब अगर इसको डबल डिस्टिलेशन करते हैं तो ये एकदम ब्लू हो जाता है, और ये पहले का था तो हो सकता है इसलिए इसमें थोड़ा सा येलो आ रहा हो, तो कोई दिक्कत नहीं। तो देख सकते हैं हमारी बॉटल लगभग भरते हुए आ रही है, लगभग हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होने वाला है। बार बार चेक करते रहना है इसको, हाथ में लगा कि महसूस होता है ठंडा, अगर इसमें अच्छा अल्कोहल रहता है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए बॉटल भर चुकी है, बॉटल को निकाल लेते हैं, और अभी भी इसमें काफ़ी मात्रा में अल्कोहल है, तो ये जो है 375 ml की बॉटल पूरी भर चुकी है अभी, और काफ़ी अल्कोहल इससे बनेगा। तो चलिए अभी जो हमने अल्कोहल बनाया था, जो ओड़का बनाया था, उसकी हम उसका परसेंटेज चेक करेंगे, अल्कोहल का कितना परसेंट आता है इसमें। 50 रहना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं हमेशा चेक करता हूँ तो 50 के आसपास आता है, इस बार देखते हैं कितना आता है। कभी कभी 40 भी आ जाता है, तो थोड़ा कम कर लेते हैं क्योंकि वेस्टेज जाएगा हमारा, अगर इसमें हम जो अल्कोहल मीटर डालेंगे तो ये थोड़ा ऊपर आएगा, लेवल कम कर दिया हूँ मैं।
चलिए अब इसमें हम एल्कोहल मीटर डाल देते हैं और चेक करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ स्टेबल होने के बाद। तो देखिए लगभग 55% के आसपास इससे एल्कोहल हमें बना है, इससे प्रोड्यूस होके मिला है और काफ़ी अच्छी मात्रा में इससे हमें एल्कोहल बन के मिला है। 55% के ऊपर है जो सफिशियंट है, इससे काफ़ी अच्छा बेहतरीन नशा हो जाता है। तो देखिए पानी गर्म हो चुका है तो इसे हम बदल देते हैं ठंडे पानी के साथ। तो पानी समय समय पर चेंज कर रही है। जब भी आपका जो डिस्टिलेशन कंप्लीट होता है तो पानी बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता है, क्योंकि जो अल्कोहल होता है वो ठंडा होता है, तो इसीलिए पानी जल्दी गर्म नहीं होने देता है। तो जल्दी अगर जब पानी जल्दी गर्म होता है तो समझ लीजिए कि आपका डिस्टिलेशन कंप्लीट हो चुका है, तो इसलिए वो डिस्टिल वाटर आ रहा है इसमें। तो देखिए अभी चेक करते हैं, तो अभी थोड़ा ठंडा महसूस नहीं हो रहा है इसमें, कम हो रहा है, तो इसे हम बंद कर देंगे अभी चूल्हे को। तो चलिए देख सकते हैं इतना निकल चुका है ये, मतलब ये 375 ml और ये वाइन की बोतल में जो रखा है वो, ये भी लगभग 2 quarter के आसपास है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, मनोबल बढ़ाइए हमारा। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।